Hello everyone, I hope you all are good at your home. In previous video, we have done our chapter number 3 of class 9 from Behive book, that is the little girl. And who is the little girl? What is the name of little girl? Kezia is the name of little girl in this chapter. Students, we have already read this chapter, take a summary of this chapter, and we have already done our first part, second part, and third part, question number 1 and 2 questions in our previous video. So students, today we will do question number 3 of third part. Take a open your Behive book, class 9. Page number 38, third part, discuss these questions in class with your teacher and then write down your answer in 2 or 3 paragraphs each. We have already done question number 1 and 2. So now students, open your notebooks, first write, then we will understand this question answers. Question number 3 is, how does Kezia begin to her father as a human being who needs her sympathy? How does Kezia begin to see her father as a human being? Kezia kab apne father ko as a human being ki tarah dekhne lagi? Kyunki usse to wo devil lagte the na, theek hai, rakshas lagte the. Who needs her sympathy? Aur usse jo hai uski sympathy ki जरूरत हुई, नीड्स हुई. राइट क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर as a human being केजिया ने जो है कैसे अपने फादर को एक ह्यूमन बींग की तरह देखना स्टार्ट करा जिन्हें जो है उसकी सिंपथी की जरूरत थी. सो राइट द क्वेश्चन इज आंसर इज केजिया यूज टू थिंक दैट हर फादर वॉज अ क्रूअल पर्सन. केजिया She cried for her grandmother. और वो जो है अपनी ग्रैंड मदर के लिए रोती थी. She cried for her
Kezia used to think that her father was a cruel person. She feared and avoided him. One night she had a nightmare. She cried for her grandmother. She cried for her grandmother. Her father came there. He took her in his arms. He asked her to rub her feet against his legs. Get them calm. Suddenly Kezia realized how good and loving her father was. She realized that her father had to work hard all day. All day.
थर्ड क्वेश्चन हो पार्ट थर्ड. ओके दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ पार्ट नंबर थ्री. हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बींग. कि केजिया ने जो है वो अपने फादर को एज ए ह्यूमन बींग कैसे देखना स्टार्ट किया. ठीक है वो नीड्स हर सिंपैथी और जिनको जो है केजिया की सिंपैथी की जरूरत भी थी. केजिया यूज टू थिंक दैट हर फादर वॉज अ क्रूअल पर्सन. केजिया को हमेशा लगता था कि उसके फादर जो है बहुत ही क्रूअल पर्सन है बहुत ही गंदे हैं उसके फादर. शी फियर्ड एंड अवॉइडेड हिम. वो उनसे डरती थी और उन्हें अवॉइड करती थी. वन नाइट शी हैड अ नाइटमेयर. एक रात को क्या हुआ उसे सपना आया. शी क्राइड फॉर हर ग्रैंड मदर. और वो जो है अपनी मदर ग्रैंड मदर के लिए ग्रैनी के लिए दादी के लिए रोने लगी. हर फादर केम देयर. उसके फादर वहां आए. ही टुक हर इन हिज आर्म्स एंड टू टेक हर ऑन हिज ओन बेड. उन्होंने जो है उसे अपनी आर्म्स में उठाया और अपने बेड पर ले गए. ही आस्क हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स टू गेट देम वार्म. उसने पूछा ही आस्क हर. उन्होंने उससे कहा कि तुम जो है अपने फीट जो है मेरी लेग्स के साथ रब कर लो वो बहुत ठंडे हो रहे हैं जिससे उन्हें वार्मनेस मिलेगी गर्म हो जाएगी. सेकेंडली केजिया रियलाइज हाउ गुड एंड लविंग हर फादर वॉज. तभी केजिया को रियलाइज हुआ कि उसके फादर जो है कितने गुड हैं और कितने अच्छे हैं प्यार करने वाले हैं. ठीक है शी रियलाइज दैट हर फादर हैड टू वर्क हार्ड ऑल डे. तो उसे रियलाइज हुआ कि मेरे फादर जो है वो पूरा दिन ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं हार्ड वर्क करते हैं जिसकी वजह से वो बिजी रहते हैं. ठीक है ही बिकेम टू टायर्ड टू प्ले विद हर. वो जो है बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं इसलिए वो मेरे साथ नहीं खेल पाते. शी लविंगली प्लेस हर हेड ऑन हर फादर्स चेस्ट. उसने जो है बड़े प्यार से अपने फादर के चेस्ट पे क्या रखा अपना हेड रखा. ठीक है नाउ शी रियलाइज दैट हर फादर ट्रूली नीडेड हर सिंपैथी. तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके फादर को जो है उसकी सिंपैथी की कितनी जरूरत थी. ओके स्टूडेंट दिस इज योर पार्ट नंबर वन पार्ट नंबर टू एंड पार्ट नंबर थ्री इज डन. सो स्टूडेंट्स वी विल डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट करेक्टर स्केच ऑफ केजियास फादर. केजिया के फादर पे एक क्या लिखो शॉर्ट नोट लिखो उसका करेक्टर स्केच लिखो. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेट इन योर ओन वर्ड्स द पिंक कुशन इंसिडेंट. और अपने वर्ड्स में जो है पिंक कुशन का जो इंसिडेंट हुआ था कि जो उसने वो अपने फादर के बर्थडे गिफ्ट के लिए पिंक कुशन बनानी थी आपको जो है वो इंसिडेंट भी अपने वर्ड्स में राइट करना है. ओके स्टूडेंट दीज टू क्वेश्चन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्जाम पर्पज से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इनके आने के चांसेस पूरे रहते हैं. ओके सो नाउ राइट अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. राइट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर वन रिलेट इन योर ओन वर्ड्स द पिंक कुशन इंसिडेंट. Write down relate in your own words the pincushion incident. Write it hurry up.
the pin cushion incident. The little girl wanted to give a pink cushion to her father on his birthday. The little girl the fourth side also.
contained a very important speech. Unfortunately, we will make in next video. Till then, bye, take care.